अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राहुल साहब, ये ऑफिस के बारे में मालूम करना चाहता हूँ, ये कौन सा ऑफिस है? ये AGPR कहलाता है, ऑडिट जनरल पाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ पे तमाम जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनका ऑडिट होता है, यानी उनके खाते चेक होते हैं कि वो जो माल पानी उनको दिया गया है वो कहाँ खर्च किया गया है और सही किया है कि नहीं किया, कोई हेर फेर तो नहीं की। हाँ सर, आप क्या बता रहे थे इस बिल्डिंग के बारे में? AGPR ऑफिस है, ऑडिट जनरल पाकिस्तान। ये तमाम सरकारी इदारों का ऑडिट करता है, यानी खाते चेक करता है कि उनको जो पैसे जाते हैं वो सही इस्तेमाल हुए हैं, कि उन्होंने कोई गबन किया है, कोई हरकत की है, तो वो सब चेक होता है और वो उसकी पूरी रिपोर्ट होती है। पूरा यही ऑफिस कराची का ऐसा ऑफिस है जहाँ पर ठीक ठाक रिश्वत ली जाती है, और बाकी आपको पता ही है पाकिस्तान में हमारा मामूदी पैसा है, लोग यहाँ के ये कहते हैं। जी हाँ, जी जमान से तो बोलते हैं जी अल्लाह है, अमल में पैसे के तो पीछे बेच देंगे, पैसे के पीछे आखिरत को भी तबाह कर देंगे और पैसे के पीछे मरते मर जाएंगे। लेकिन ऐसा उन चीज़ों पर यकीन नहीं है, जो बात हकीकत है उनको आखिरत पर यकीन नहीं है। आखिरत पर यकीन देखा जाए तो आपको भी दिख नहीं रहा अल्लाह, और जिसको आखिरत पर यकीन है उसको भी बस मतलब असल चीज़ ही यकीन है, लेकिन बिन देखे देखे उसी तो ईमान कहते हैं। अपनी ज़िंदगी को पुरासाइश करने के लिए आप जो है ना आखिरत को फरामोश कर देते हैं, अल्लाह को फरामोश कर देते हैं, और इसी में मर रहे हैं, और इसीलिए हमारे ऊपर अजाब आ रहा है। ये कि हम जो है गर्क हो रहे हैं उस दलदल में जिसमें काफिर समझा जाता है, काफिर हमसे ज़्यादा अल्लाह को सामने रखते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन, उसके बाद मुसलमान हैं। तो क्रिश्चियन जो हैं आप देखें तो वो सच बोलते हैं, वो धोखे नहीं देते, वो पैसे को माबूद नहीं बनाते, लेकिन पैसा उनके पास फिर भी आ रहा है, और वो चैरिटी भी करते हैं, वो अपने ज़िंदगी पूरी तरह से जीते हैं, बड़े घर भी रखते हैं सब, लेकिन वो पैसे के पीछे अपना ईमान नहीं बेचते, वो मेहनत से पैसा कमाते हैं। ये ऑफिस जो बना हुआ है इसका क्या मकसद है? पैसे बनाना? पैसे बनाना जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप खातों में हिसाब किताब खराब किया हुआ होता है तो वो पैसे आके भरते हैं और अपना मामला सीधा करवा लेते हैं, साइन हो जाते हैं, रिपोर्ट ओके की बन जाती है। और ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सब ख़राब हो रही हैं, अलमारियाँ पे ताशा रखा हुआ है। ये ऑफिस शिफ्ट हुआ था, ये ऑफिस पहले कहीं और हुआ करता था, वहाँ से शिफ्ट हुआ था, तो यहाँ पे वो सामान भी पड़ा हुआ है और इनका अंदर चेंजेस होती रहती हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे लाके पीछे डम कर देते हैं। अच्छा, ये गुलशन इकबाल में ब्लॉक कौन सा है? ये ब्लॉक 11 है। ब्लॉक 11 कहलाता है जी, और सामने ब्लॉक 6 है। सही। और ये रोड का नाम क्या है? इस रोड का नाम है साकिब शहीद रोड है, ये नीचे। अच्छा, साकिब शहीद रोड अंदर जो जा रहा है ग्राउंड पे। और ये जो मेन रोड चल रहा है इसका नाम क्या है? इसका नाम पता नहीं क्या, ये यूनिवर्सिटी रोड है। यूनिवर्सिटी की वजह से इसका नाम यूनिवर्सिटी रोड है, और ये आगे जाके कराची यूनिवर्सिटी इसी रोड पे है। अच्छा अच्छा, और एलईडी भी है, और फिर आगे मलीर कैंट और सपूरा। अच्छा लगा सर, जजाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा।